बाजार पर स्ट्रेटजी समझते हैं सोमवार के लिए। तीन दिन की छुट्टी के बाद बाजार जब खुलेंगे सोमवार को तो स्ट्रेटजी क्या रहे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे, जानते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे तीन दिनों की लंबी छुट्टी के बाद तो ढेर सारे संकेत होंगे। दो दिनों में अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहता है और उसके बाद सोमवार को डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हैं वो तो आपके लिए अहम होगा ही, लेकिन पूरी संभावना ये है कि आज के सेशन में और नए फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े फिर से बाजार में लौटते नजर आए और वो भी बाजारों की दिशा दशा तय करेंगे। लेकिन इसके अलावा मूड माहौल और कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो अप्रैल के महीने में जो कुछ भी ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्च के महीने में कम की उसे दूर करके फिर से खरीदारी करने के मूड में आते दिख रहे हैं। अब जो अहम लेवल है बाजार के लिए निफ्टी पर सोमवार के लिए 14,750 मजबूत सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 14,950 से 15,050 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,150 33,300 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर एक बार 34,150 के आसपास के लेवल इसे पार करने के बाद बैंक निफ्टी भी 34,350 34,500 तक जाने की तैयारी कर सकता है। तो बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन सोमवार का रहेगा, ढेर सारी खबरें ढेर सारे ट्रिगर्स रहेंगे, लेकिन एक चीज साफ है स्क्रीन की मजबूती, दिन के हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग, एक्सपायरी के दिन की शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी अगले हफ्ते के लिए मजबूती के संकेत जरूर बाजार में दे रही है। तो चलिए सोमवार के लिए स्ट्रेटजी बाजार पर समझ लिया अनिल जी से।